नमस्कार, आईपीएसएम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आईपीएसएम यूट्यूब चैनल में हम लगातार कोशिश करते हैं कि आप तक पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी आपसे शेयर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे हम चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ डेंटल टेक्नीशियन। हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर कर रखे हैं। डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन एक सोर्स है जिसको हम DTH बोलते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीन जो होता है लगभग हर जगह में हमारे ये डिप्लोमा लेवल तक कोर्स होता है और इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10th होता है। लेकिन कई यूनिवर्सिटी या कई ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस होना चाहिए भी डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीन के लिए। लेकिन कई यूनिवर्सिटी में डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन 10th बेसिस में भी कर सकते हैं। लगभग ये 2 साल का कोर्स होता है। इसको पढ़ने के लिए हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए और कई जगह में 10+2 साइंस भी होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन का काम है वो जो डेंटिस्ट को असिस्ट करता है, जो स्केलिंग पिलिंग और डेंटल हाइजीनिक का काम कर सकता है, उनको हम बोलते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए हमें आपसे शेयर किए कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। तो 10th बेसिस में हम डेंटल हाइजीनिस्ट बन सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।